बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम इस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ दी अपर लिम। पहले आप इस डायग्राम को देखें, उससे आप ये एंटीरियर सरफेस है, ये आर्म की है, ये फोरआर्म की, और ये पामर सरफेस ऑफ दी हैंड, ठीक है। ये पोस्टीरियर की दिखाई गई है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फोरआर्म है, और ये डोर्सल सरफेस ऑफ दी या पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी हैंड है। इसमें जो इन्होंने जैसे एंटीरियर सरफेस वेंट्रल सरफेसेस को हम देखते हैं, तो इनको डिवाइड किया गया है। ये जैसे मैं आर्म को लूँ तो ये सारा पार्ट जो है ये लेटरल का है, ये सारा मीडियल का है। इसी तरीके से फोर आर्म को भी डिवाइड किया है, ये लेटरल है, ये मीडियल है, और हैंड को भी पामर सरफेस को ऐसे किया, ठीक है। यहाँ ये एरिया है जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व से सप्लाई हो रहा है, ये प्लक्सिस हम पढ़ते हैं हेड एंड नेक में, जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल प्लक्सिस, ये उसकी ब्रांच है, ठीक है। बकिया ये जो आप देखेंगे, ये जो अपर लिम की नर्व्स होती हैं, अपर रेडियल नर्व है, अलर नर्व है, मीडियन नर्व है, और ब्रेकियल प्लेक्सस से जो आ रही हैं, मिडिल मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व वगैरह, ये उनकी ब्रांचेस से एंटीरियर भी और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी आर्म फोर आर्म एंड हैंड सप्लाई होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, इससे इसकी डिस्कशन में हमें सबसे पहले आने चाहिए जो हमने नर्व्स पढ़ी हैं, कि वो नर्व्स क्यूटेनियस सब ब्रांचेस कौन सी देती हैं। मस्कुलर को अगर मिक्स पढ़ोगे तो फिर तो शायद भूल ही जाओगे, लेकिन अगर अलग से क्यूटेनियस देखते हो तो पहले हम हर आर्म की, फोर आर्म की और पाम की जो है वो वेंट्रल सरफेस की, मीडियल और लेटरल की नर्व्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये जैसे इसने दिखाया कि ये लेटरल सरफेस ऑफ द आर्म और ये मीडियल सरफेस ऑफ द आर्म। लेटरल सरफेस ऑफ आर्म यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, इधर ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व होगी क्योंकि लेटरल सरफेस इधर, यहाँ पे ये मीडियल सरफेस ऑफ आर्म हो गई। इसी तरीके से फोर आर्म में आएंगे तो नाम तो तकरीबन वही है, क्यूटेनियस मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ये लेटरल होगी, ये मीडियल होगी, ठीक है। इसी तरह का पाम में भी, लेकिन हम अगर इन डायग्राम को देखें, जैसे ये एक्सिलरी नर्व है, तो एक्सिलरी नर्व की बाकी चीज़ों को छोड़ दें आप, इस वक्त आपको देखना है कि क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ दे रही है। ये जिसमें ये सर्कल बना हुआ है ये क्यूटेनियस ब्रांच है, ये वाली स्किन टू द लोअर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड, और यहाँ पे भी आप देखेंगे लेटरल अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, यानी कि ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं अपर लेटरल क्यूटेनियस, ये वाली ये किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी की, ठीक है। तो एक्सिलरी आर्टरी अगर कहीं प्रेस होती है तो ये आप अबव पार्ट पे प्रेस होती है तो ये ब्रांच जो है वो इंजर्ड होगी, तो जिसकी वजह से सबसे पहले जब क्यूटेनियस सप्लाई लॉस होती है तो पहले टिंगलिंग होती है, पेन वगैरह, और उसके बाद जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो क्या होता है कि नंबनेस मीन हमें फीलिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म जो सप्लाई हो रही है, जिस जो इसका ब्रांच है वो किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी की, ठीक है। ये एक्सिलरी यहाँ पे इसको सप्लाई कर रही है, लोअर लेटर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड भी कह सकते हो, ठीक। अच्छा फिर हम आते हैं ये यहाँ पे, ये जो एक्सिला की तरफ एक पार्ट है वो सप्लाई हो रहा है किससे, इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व। फिर पहले लेटरल को ही कंप्लीट कर लेते हैं, या बस यूँ देखो कि भी एक्सिलरी जो है वो उसने अभी तक सिर्फ, और एक्सिलरी नर्व यहाँ पे ख़त्म ही हो गई है, नीचे नहीं गई, मेन फोर आर्म में भी नहीं गई, तो एक्सिल बकिया जो ब्रांचेस फोर आर्म की सप्लाई होगी और हैंड की होगी, तो उसमें कोई की एक्सिलरी की क्यूटेनियस नर्व नहीं जाएगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मैंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे यानी कि अपर लेटरल क्यूटेनियस नर्व किसने दी थी, एक्सिलरी ने, लोअर लेटरल क्यूटेनियस, लोअर लेटरल क्यूटेनियस हम यहाँ पे हम देख रहे हैं ये मस्क्यूलो क्यूटेनियस है, लेकिन मस्क्यूलो क्यूटेनियस ने आर्म में कोई क्यूटेनियस ब्रांच नहीं दी, एल्बो जॉइंट को दिए लेकिन वो क्यूटेनियस नहीं है, और यहाँ पे ये फोर आर्म में कंटिन्यूस हो जाती है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांच भी हमारी इससे नहीं आई, किससे नहीं आई, मस्क्यूलो क्यूटेनियस से नहीं है, मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व जो है वो लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांच है, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, और अब हम आते हैं अगली डायग्राम पे, अगर देखते हैं तो लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व का ये आपको नज़र आ रही है, आर्म की बात कर रही हूँ मैं, एक्जिला इनकी नहीं कहा। अब यहाँ पे आप देखो ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये रही, ठीक है, ये है ब्रांच किसकी, रेडियल की, किसकी,
रेडियल की क्यूटेनियस ब्रांच है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस डायग्राम में, और ये पोस्टीरियर भी सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ ये ब्लू कलर की, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये रही, ये यानी कि ये पीछे से जो सप्लाई हो रही है ये भी रेडियल दे रही है, और जो आगे से लोअर लेटरल पार्ट था, कौन सा लोअर लेटरल पार्ट, ये भी जो ब्रांच आ रही है लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये किसकी ब्रांच है, रेडियल की। ऊपर वाली किसकी ब्रांच थी, एक्सिलरी की, ठीक है, अपर लेटरल क्यूटेनियस की। अच्छा फिर हम आते हैं इसकी मीडियल साइड पे, मीडियल साइड आर्म पे, तो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, आपने ब्रेकियल प्लेक्सिस जब पढ़ा था तो उसमें जो लोअर ट्रंक था उसकी, सॉरी मीडियल कार्ड था उसकी ब्रांचेस थी दो, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। तो ये मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म इज द ब्रांच ऑफ दी मीडियल कार्ड ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सिस, ठीक है, ये बात हो गई आर्म की। अब हम आते हैं किसके, फोर आर्म पे, फोर आर्म को जो लेटरल पार्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है, और जब ये फोर आर्म में डिफेशिया को पियर्स करती है तो ये क्यूटेनियस हो जाती है, ऊपर मस्कुलर है तो इसलिए इसका नाम मस्कुलो क्यूटेनियस ही है। तो अब ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म को सप्लाई कर रही है, तो मस्कुलो क्यूटेनियस कंटिन्यूस एज दी लोअर क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है, इन दी फोर आर्म में आफ्टर पियर्सिंग दी डीप फेशिया। तो ये सप्लाई जो हो रहा है लेटरल 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 क्यूटेनियस नर्व आर्म, जो फोर आर्म इसकी नर्व है वो किसकी ब्रांच है या किसकी कंटिन्यूशन है, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व इज ए ब्रांच ऑफ द लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियो प्लेक्सिस, ठीक है। अब मीडियल मीडियल साइड पे आते हैं, नाम वही है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ, क्योंकि फोर आर्म है तो फोर आर्म की ही है, इस वक्त हम बात कर रहे हैं वेंट्रल सरफेस की। तो अब हम ऐसी ढूंढते हैं जो फोर आर्म में मीडियल साइड पे सप्लाई कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांच है जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इस तरफ भी आपके पास फोर आर्म, फोर आर्म है ना, ये पोस्टीरियर पे तो दे रही है लेकिन लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व आर्म है, ये फोर आर्म इधर भी नहीं है, यहाँ पे अभी आपको कोई ब्रांच नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे आप देखें लोअर लेटरल ये हैंड है, यहाँ पे कोई ऐसी ब्रांच है, ये तो पामर ब्रांच है। हम ढूंढ रहे हैं मीडियल के लोअर लेटरल, लोअर मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, तो हमें यहाँ पे नहीं मिली, तो हमें याद होना चाहिए कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का मीडियल कार्ड था उसने दो ब्रांचेस दी थी क्यूटेनियस, दोनों ही मीडियल साइड की थी, एक मीडियल साइड ऑफ आर्म की थी और दूसरी मीडियल साइड ऑफ दी फोर आर्म की, तो ये दोनों ही ब्रांचेज हैं किसकी, मीडियल कार्ड ऑफ दी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, ठीक है। अच्छा फिर हम आते हैं हैंड पे, हैंड पे ये यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का जो हाफ फिंगर है वो थ्री एंड हाफ फिंगर यानी कि सप्लाई हो रही है क्यूटेनियस ब्रांच, जो किसकी ब्रांच होती है, इसकी मीडियन की, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आएगी अल्नर की ब्रांच आएगी, ठीक है। तो अब अगर हम हैंड का डायग्राम देखते हैं तो हैंड की डायग्राम हमारे पास वेंट्रल सरफेस की बात हो रही है अभी तक, ठीक है, ये हैंड की डायग्राम है, ठीक है, ये हैंड लिखा हुआ है, इसमें आप देखो ये सर्किल वाला एक ये है और दूसरा ये, देखो ये यहाँ पे आ रही है और ये ब्रांच कौन सी है, मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व अपनी क्यूटेनियस ब्रांच दे रही है लेकिन लेटरल थ्री एंड हाफ डिजिट्स के लिए, ठीक है, नेल नेल बेड को भी दे रही है, देखें ये जैसे लेटरल थ्री एंड हाफ और ये नेल बेड को भी पोस्टीरियरली भी सप्लाई कर रही है, नेल इधर ऊपर तक नहीं जा रही, सिर्फ नेल बेड तक कर रही है। तो ये हो गई मीडियन नर्व की क्यूटेनियस ब्रांच। तो यहाँ पे अब आते हैं किस पे, लेटरल साइड ऑफ दी सॉरी मीडियल साइड ऑफ दी हैंड की पामर सरफेस पे, मीडियल साइड ऑफ हैंड की पामर सरफेस पे यानी कि लिटिल फिंगर की और ये जो रिंग फिंगर का हाफ है, ये देखो ये ब्रांच हमारे पास ये जो है ये अल्ना नर्व है, कौन सी है, ये नीचे क्या लिखा हुआ, अल्ना नर्व, अल्ना नर्व ब्रांच दे रही है पामर क्यूटेनियस ब्रांच टू दी मीडियल वन एंड हाफ डिजिट्स ऑफ दी हैंड, ठीक है। तो ये उसकी ब्रांच होगी। तो अगर हम इसको अभी इस तरीके से इस डायग्राम में रिवाइज करते हैं तो हम कहेंगे कि वेंट्रल सरफेस जो है उसका लेटरल पार्ट में आर्म में अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, लोअर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच, अपर लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच इज ए ब्रांच इज क्यूटेनियस ब्रांच इज ए ब्रांच ऑफ दी एक्सिलरी नर्व, और लोअर वाली किसकी थी, रेडियल की। तो
ठीक है। और मीडियल में जब आते हैं उसके आर्म के और फोर आर्म के, तो मीडियल दोनों ही हमारे पास आ रही थी मीडियल कार्ड ऑफ द ब्रेकियो प्लेक्सस से, ठीक है। और लेटरल क्यूटेनस और फोर आर्म जो है वो कंटिन्यूएशन थी किसकी, मस्क्यूलो क्यूटेनस की, जो कि ब्रांच थी लेटरल कार्ड ऑफ द ब्रेकियो प्लेक्सस। इसी तरीके से पामर सरफेस पे ये वाला एरिया मीडियन नर्व का था, वो खुद क्यूटेनस ब्रांच भेज रही है, और ये वाला एरिया जो है वो अल्नर नर्व का। और मीडियन नर्व यहाँ पे वेंट्रल भी सप्लाई कर रही है, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा उसके सिर्फ नेल बेड तक जाती है। ये हो गई बात किसकी, वेंट्रल सरफेस ऑफ ऑल दी क्यूटेनस सप्लाई ऑफ दी अपर लिम्ब। हम आप अगर पोस्टीरियर पे आते हैं तो पोस्टीरियर का भी अगर इस डायग्राम में आप देखो तो तकरीबन वही ब्रांचेज आ रही हैं। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊँ ये डायग्राम जो फर्स्ट में है, देखें यहाँ पे इसी अपर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, किसकी ब्रांच थी अपर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, एक्जिलरी की, ये वाली है जो है। तो ये पोस्टीरियर का देखो पूरा मीडियल और लेटर दोनों सप्लाई कर रही है अपर पार्ट के, ठीक है। फिर लोअर पार्ट को मीडियल और इसमें डिवाइड कर दिया, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म आगे भी सप्लाई कर रही है और मीडियल के पीछे भी कर रही है। फिर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म किसकी ब्रांच थी, मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियो प्लेक्सस, ठीक है। फिर लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ आर्म जो मैंने यहाँ दिखाई है रेडियल की ब्रांच थी, वो आगे से भी सप्लाई कर रही है और पीछे भी आर्म को सप्लाई कर रही है। फिर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फोर आर्म पे आते हैं, तो वही है जो लेटरल पार्ट पे लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म जो कि मस्कुलो क्यूटेनस की कंटिन्यूशन है, उसने यहाँ पे लेटरल में पोस्टीरियर भी सप्लाई किया। और जो मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म है जो कि पोस्ट मीडियल कार्ड ऑफ ब्रेकियो प्लेक्सिस की थी, उसने पोस्टीरियर भी सप्लाई किया। तकरीबन सेम ही है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये ब्रांच किसकी थी। फिर इंटरमीडिएट जो पोर्शन है यहाँ पे पोस्टीरियर क्यूटेनस ऑफ आ, ये तो खैर ये आर्म का है, ये क्या है, ये आर्म है और ये फोर आर्म है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें ये वाली, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म को भी सप्लाई कर रही है और आर्म को भी सप्लाई कर रही है और फोर आर्म को भी। तो ये कौन सी है, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ फोर आर्म जो कि रेडियल की ही ब्रांच है, किसकी, और रेडियल। फिर इसी तरीके से पाम की बिल्कुल ये जो 3.5 फिंगर थी उनकी डॉर्सल सरफेस को भी सप्लाई कर रही है, लेकिन उनके डिजिट्स वाले पार्ट्स को नहीं करेगी, नेल बेड को, क्योंकि वहाँ पे मीडियन नर्व आ रही थी, ठीक है। एक यहाँ पे चली गई, ये तो सुपरफिशियल ब्रांच, इसने इसको यहाँ पे सप्लाई कर दी किसकी, रेडियल नर्व की। इस वक्त आपको याद रखना है कि रेडियल नर्व ये नहीं, ये ब्रांच थी अब यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सारा वही दिखाया, ये सारा देखें, ये लोअर पार्ट ऑफ फोर आर्म की पोस्टीरियर सरफेस को भी, और इंटरमीडिएट जो पोर्शन है किसके, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फोर आर्म को, और हैंड की डॉर्सल सरफेस को भी लेटरल 3.5 फिंगर को कर रही है, लेकिन इसको देखो नेल बेड वाली जगह को उन्होंने वाइट ही छोड़ा है क्योंकि ये मीडियन नर्व से सप्लाई है। तो यहाँ पे जो ब्रांच आ रही है किसकी आ रही है, रेडियल की ही कंटिन्यूटी में आ रही है। बाकी मीडियल और लेटरल वही हैं जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में पढ़े थे। तो इस सप्लाई के लिए, अपर लिम्ब की क्यूटेनस सप्लाई के लिए आपको जो मेन याद होनी चाहिए वो जितनी भी नर्व्स आपने पढ़ी उनकी क्यूटेनस ब्रांचेस को अलग पढ़ लें ताकि वो याद हो जाए। इस तरीके से अगर आप मिक्स में ऐसे पढ़ेंगे, मस्कुलर भी पढ़ ली, आर्टिकुलर भी पढ़ ली, तो फिर शायद आपको भूल जाएगी। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको क्यूटेनियस को अलग से देख लें कि वो किस किस की ब्रांचेस थी, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ सेंसरी लॉस दिखाया हुआ है रेडियल नर्व से जो सप्लाई हो रहा है, रेडियल नर्व मैंने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास पूरा एरिया मीडियन से था, ये अल्नर से था, ये सिर्फ एक छोटा सा एरिया होता है जो कि सप्लाई होता है बाय रेडियल नर्व से फ्रंट पे, और ये बाकिया तो रेडियल नर्व इसको पूरा सप्लाई करती है, ठीक है। ये हो गया क्यूटेनियस सप्लाई ऑफ दी अपर लिम्ब। अल्नर नर्व की देख लो, अल्नर नर्व में यहाँ एक्सिला में भी कोई ऐसी क्यूटेनियस ब्रांच नहीं थी, आर्म में भी कोई नहीं थी, यहाँ फोर आर्म में जब नीचे जा रहे हैं तब भी कोई ऐसी खास ब्रांच इसने नहीं दी। मीडियल साइड ऑफ दी हैंड में ज़्यादातर दे रहा है, कौन सी हैंड में ये ब्रांचेस दे रहा है, क्यूटेनियस ब्रांचेस। तो ये रिटन में एक टेबल भी लिखी हुई है कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म, फोर आर्म, डोर्सल स्पेक्स एंड लेटरल 2/3 ऑफ द हैंड एंड लेटरल डिजिट्स, ठीक है। ये नर्व्स हैं कि भाई कहाँ कहाँ किसको थर्ड और 2/3 ऑफ द हैंड, यानी कि ये जो सप्लाई ऊपर आ रही है ये मीडियन की होगी,
ये किसकी होगी ना, मीडियन की ये वाली होगी, कौन सी, पामा सरफेस है, जिसमें 2.5 जो है वो मीडियन की होगी, और ये वाली हमारे पास किसकी होगी, 1.5 वाली पामा सरफेस है, तो ये अल्नर की होगी, और ये हमारे पास रहेगी रेडियल, ज़्यादातर पोस्टीरियर सरफेस पे ही आती है, ठीक है। तो ये आना चाहिए इस तरीके से, अगर आपने याद किया तो शायद आपको जहन में बैठ जाएगा, वरना शायद भूल जाएगा। इकट्ठी अगर सारी नर्व्स को देखा, मस्कुलर भी देखी है वो, तो मस्कुलर को आप अलग कर दें और क्यूटेनियस को इस तरीके से अलग करके पढ़ लें, तो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा। थैंक यू बेटा।